हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 35 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 1.5%, 1 महीने में 8%, 3 महीने में 5.5% और 6 महीने में 6% और 1 साल में 46% के रिटर्न दिखाता हुआ नजर आ रहा है और 2 साल भी इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 60% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में देखें तो लगातार स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इस स्टॉक में देखें तो इसका चार्ट पैटर्न भी लगातार इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। जैसा कि इस स्टॉक में देखें तो एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 90 रुपीज, 90 रुपीज का इस पॉइंट पर इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया। ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक का नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 66 रुपीज, 66 रुपीज का इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 66 रुपीज के एक सॉरी 68 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 94 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है का, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 75 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 82 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।